हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यूनिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या यूनिक कोचिंग सेंटर। आज ये बेसिक गणित का आपका भिन्न का भाग दो है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा भिन्न की तुलना के बारे में, भिन्न के जोड़ के बारे में, भिन्न के घटाना के बारे में, भिन्न के गुणा और भिन्न के भाग के बारे में। और इस वीडियो से पहले आपको भाग वन में बताया गया था भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के प्रकार और प्रकारों की विवेचना की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ भिन्नों की तुलना, यानी भिन्नों में बड़ा कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्न छोटा है, आर वही और वही क्रम में कैसे डिवाइड किया जाता है, उसके बारे में बताएंगे। तो पहला है इसमें जो तरीका है, यानी भिन्न जो आपके अलग अलग प्रकार के हिसाब से उसका हम आकलन करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि पहला जैसे कर सकते हैं कि जब किसी सभी भिन्नों के हर क्या हो, बराबर हो, सभी भिन्नों के हर बराबर, यानी कि हर क्या होना चाहिए, बराबर हो। तो जैसे पहले का मतलब है कि जब सभी भिन्नों के हर बराबर हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है। तो देख सकते हैं जैसे कि 2/3, 1/3, 5/3, 4/3। तो कहा गया हर बराबर है, 3 सभी हर क्या है, बराबर है। तो कहा गया कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, तो देखा जाए 2, 1, 5 और 4 में 5 क्या है, बड़ा है, तो ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। और 1 क्या है, छोटा है, तो 1/3 वाली भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी। यानी करने का मतलब हर समान होने पर जो भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी और छोटा होगा छोटी। और यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, जैसे 3/7, 2/7, 5/7, 1/7 और ये 4/7। इसमें देखा जाए हर सेम है सबका, हर क्या है, 7 समान है। इसमें कह सकते हैं कि 3, 2, 5, 1 और 4 में सबसे बड़ा क्या है, 5, अतः ये बड़ा, ये भी बड़ा होगा। और फिर कह सकते हैं 1 छोटा है सबसे, ये भी छोटी होती है। इस तरह से कहा जाए घरों के बराबर होने पर हम भिन्न में बड़ा छोटा निकाल सकते हैं। अब दूसरा तरीका है कि जब अंश बराबर हो, अंश बराबर हो तो उस अवस्था में क्या होगा, यानी कह सकते हैं कि जब दिए गए भिन्नों का अंश बराबर हो, तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न बड़ी, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है वह भी छोटी होती है। ठीक विपरीत, उसमें बड़ा बड़ा बड़ा, छोटा बड़ा छोटा, लेकिन इसमें क्या है कि बड़ा बड़ा छोटा और छोटा बड़ा बड़ा होता है। जैसे देख सकते हैं 2/1, 2/3, 2/5, 2/4। तो देखा जाए कि 2, 2, 2 सभी अंश क्या है, बराबर है। तो इसमें 1, 3, 5 और 4 में सबसे बड़ा क्या है, 5, अतः ये भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी। और सबसे छोटा क्या है, 1, अतः यह भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। यानी इसके विपरीत होता है कि उसमें बड़ा था तो बड़ा, छोटा था छोटा, इसमें छोटा है तो बड़ा, बड़ा है तो छोटा। एक आध एग्जाम्पल और दे सकते हैं, जैसे देखा जाए 4/5, 4/2, 4/3, 4/7 में देखा जाए कि अंश 4/4 है, ये बराबर है। उस अवस्था में कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 7, ये भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। अब सबसे छोटी संख्या 2, ये भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। तीस तरह से कह सकते हैं कि जब अंश बराबर क्या हो, तो उस अवस्था में जिस भिन्न का बड़ा है वह भी छोटी, और जिस भिन्न का छोटा है वह भी बड़ी होती है। तीसरा नंबर कि जब हर और अंश दिए गए भिन्नों के बराबर न हो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि दिए हुए भिन्नों के हरों का लसन करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम में जो भी हर है बारी बारी उन संगत हरों से भाग देने के बाद भागफल में संगत अंश का गुणा करके रख दिया जाता है, और बीच में कामा का प्रयोग किया जाता है, और जो कामा ये लगातार किया जाता है, और उसमें से जो अंश बड़ा होगा वह भी बड़ी, और जो अंश छोटा होगा वह भी छोटी होती है। जैसे देख सकते हैं हम
जब ह या अंग बराबर न हो। दूसरा स्थानी जैसे 3/5, 5/4 और 7/6। इसमें से कौन बड़ा है तो इसके चेक करने के लिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा कि हरों का एलसीएम ले लिया, तो 5, 4, 6 का एलसीएम ले लेंगे हम। तो देख रहे दो से कट जाएगा, 5 नहीं कटा, 2 × 4 बच जाए 6, फिर 2 से कटेगा, 5 नहीं कटा, 2 × 3 नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 5 नहीं कटा, 3 × 3 फिर 5, 1 × 5 सब से। तो देखा जाए कि 2 × 4, 4 × 12, 12 = 60 एलसीएम कितना होगा 60। यहां से देखा जाए कि 5 से भाग देंगे 60 में, तो इसे छिपा लिए तो बचा क्या, 2 × 4 = 12 बचा, तो 12 आया भाग पर, 12 का गुणा किसमें करेंगे 3 × 36। फिर काम 4 से भाग देना है तो 2 × 4 छुपा ले, 5 × 1 = 15 बचा, 15 का गुणा 5 ले, 15 × 5 = 75 और 6 से भाग देना है तो 2 × 3 = 6 छुपा लेना है, 5 × 10 = 10 = 70। 30 समय से देखा जाए कि हरों का लसन निकाला गया है, फिर लसन में हर से भाग दिया गया है संगत हरों से और संगत अंशों का गुणा करके रख दिया गया है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 75, यानी एक दूसरा नंबर दूसरी रिंग क्या हो जाएगी सबसे बड़ी। फिर उसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या है 36, यानी पर यानी ये भी सबसे छोटी हो जाएगी, यानी कहने का मतलब जब हर और अंश आपस में बराबर न हो दिए गए हरों के भिन्नों के हरों का दर्शन निकाल कर इस प्रकार से कर सकते हैं बड़ा छोटा निकाल सकते हैं। ये तो आपका बड़ा और छोटा निकालने के तरीके थे, इन छोटे बड़े के हिसाब से हम क्रमशः आगे पीछे करके यानी बढ़ते हुए क्रम में रखकर और घटते हुए क्रम में रखकर आवी और उन्हें निकाल सकते हैं। चौथा प्रकार है कि दिए गए भिन्न को हम दशमलव भिन्न में बदलकर, अर्थात ये जो भिन्न है 5 से भाग देंगे तो ये भिन्न आपका हो जाएगा 5 × 0 बढ़ाएंगे 5 × 0 = 6 है। ठीक है, इसमें भाग देंगे यानी 4 × 1 = 4 दशमलव यानी 1 बचेगा, तो यहाँ 10 × 4 = 8 × 4 = 20 इसको भाग देंगे तो यानी 6 × 6 = 10, तो यहाँ 1 बचेगा 6 × 6, फिर यहाँ बचा आपका 4 तो 6 × 6 = 36, फिर जा रहे इस तरह से क्रम से। तो इस तरह से देखा जाए कि 0.6, 1.25 और 0.166 में सबसे बड़ा है 1.25 यानी 5/4 भिन्न बड़ी है और सबसे छोटा है 0.6 3/5 भिन्न छोटी है। तो इस तरह से कर सकते हैं कि जो आपका भिन्न छोटा बड़ा निकालने के तरीके हैं यानी अंश और हर पर निर्भर करते हैं और अंश और हर बराबर हो, यानी जब अंश सभी भिन्नों के बराबर हो उसका अलग गुण है और जब सभी भिन्नों का हर बराबर है उसका अलग गुण है और जब बराबर न हो उनके दो विधियां हैं, एक तो आपका एलसीएम लेकर और दूसरा है आपका दशमलव भिन्न में बदल कर। अब अगला टॉपिक है भिन्नों का जोड़ यानी भिन्नों को आपस में जोड़ा कैसे जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पहला नियम मान लेते हैं कि जब हर बराबर हो, क्या हो, जब हर बराबर हो, तो जब हर बराबर होगा तो उस अवस्था में कह सकते हैं कि जिस यानी कह सकते हैं हर बराबर है तो अंशों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जैसे यानी 1/2 + 3/2 + 5/2 यानी हर बराबर है तो हर का जो होती है उतार देंगे हम और अंश को आपस में जोड़ दिया जाएगा 1 + 3 + 5। इस तरह से देखा जाए 3 × 1 = 4 + 4 = 9/2 और भी उपचार प्रश्न दे सकते हैं 7/3 + 2/3 यानी दोनों की हर क्या है बराबर है, तो इसे कह सकते हैं कि हर को ज्यों का त्यों रख देंगे और ये रहेगा 7 + 2 = 9/3 जरूरत पड़ने पर सिखा सकते हैं 3 × 3 = 9 1/1 लिख सकते
है। तो इस तरह से देखा जाए जब हर बराबर है तो अंशों को आपस में जोड़ दिया जाता है। आपका दूसरा है कि जब हर आपस में बराबर न हो, यानी जब हर बराबर न हो तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, दिए गए हरों को लसन का दिया जाएगा। लसन काटने के बाद संगत हरों से भाग देकर भागफल में संगत अंश का गुणा करके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं और आपस में अंश को जोड़ लिया जाता है। जैसे देख सकते हैं कि 3/5 प्लस 2/7 प्लस और ये 6/ हो जाएगा आपका 9, इसे जोड़ना आपको। तो जिसमें हर अंश आपस में बराबर नहीं है, तीसरे क्या कर सकते हैं 5, 7 और 9 का ले लेंगे एलसीएम। ये 3 से कट जाएगा, 5 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, 3 3 9। फिर इसके बाद 3 से कटेगा, ये 5 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, 3 3 3। अब कटेगा 5 से 5 से 5, 7 नहीं कटा, 1 कर लेंगे और 7 1 7 सब कट गए। तो यहां से देखा जाए 3 3 9 9 और कर सकते हैं कि 7 5 35 यानी 35 का गुणा हम कर देंगे 9 में, 9 5 45 5 और 9 3 27 4 31। इस तरह से कहा जाए इसका एलसीएम हो जाएगा 315। तो 5 से 315 भाग देना है, तो 5 को छुपा लेते हैं, 3 3 9 9 से 63 63 आया इसका भागफल, 63 का गुणा 3 में, 3 3 9 और 3 6 18 प्लस चिन्ह लगा दीजिए। फिर 7 से भाग देना है, 7 को छुपा लेना है, 3 3 9 5 45 45 का गुणा 2 में, 45 गुणा 90 प्लस 9 से भाग देना है, 3 3 9 छुपा देना है, 5 3 35 का गुणा 6 में, 6 5 30 0 6 3 18 3 21 यानी 210 आ गया। इसे जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा आपका 9 9 8 17 1 18 8 2 1 3 1 4 इन 4 7 3 315 यानी जब हर अलग अलग है तो इस तरह से हम उसको हल कर सकते हैं। यानी हर का एलसीएम निकालकर दिए गए हर से भाग देकर संगत अंश का गुणा करके रख देता है बीच में प्लस का चिन्ह और फिर जोड़ लिया जाता है। अगला आपका टॉपिक है भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना जिस तरह से बात किया था, जोड़ा गया था, जिस तरह से जोड़ा गया था उसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ घटाया जाएगा। इसमें नंबर 1 है जब हर समान हो, यानी हर जो है बराबर हो, तो उस अवस्था में कर सकते हैं कि क्या करेंगे, तो कर सकते हैं जब हर बराबर होते हैं तो अंशों को आपस में घटा दिया जाता है। यानी कह सकते हैं इसमें और नियम लागू हो जाएगा, समान चिन्ह जोड़े जाते हैं और विपरीत चिन्ह घटाए जाते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाई जाती है और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाया जाता है, ध्यान देना होगा आपको। तो जैसे देख सकते हैं कि 3/7 -2/7 तो हर इसका सेम है, तो ये 7 गया हर और ये गया 3 -7 2 तो 3 में से 2 गया 1/7 ये 7। थोड़ा सा उल्टा करते हैं और थोड़ा सा कि ये हो जाएगा 5/2 -7 8/2 इस स्थिति में देख सकते हैं कि हर सेम है तो 2 और ये हो जाएगा आपका कि 5 -8। हमने कहा कि बड़ी संख्या से छोटी घटाना है, 8 में से 5 गया 3 और इसके सामने का चिन्ह क्या है, -3/2 इस तरह से कर सकते हैं। और एक आप एग्जाम्पल सुन दे सकते हैं 2/5 -3/7 5 ले गया जो कि हर सेम नहीं है और 2/5 इस तरह से देखा जाए कि 5 हर सेम है सबका 5 हो गया 2 -3 -7 तो कहा गया था कि समान चिन्ह जुड़ जाते हैं तो 3 2 5 होगी माइनस का यानी 2 -5/5 और बड़ी संख्या छोटी संख्या को घटाई जाएगी तो 2 में से 2 जो 5 है 2 में से 5 जाएगा नहीं 2 में से 2 यानी जो ये 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा क्या 3
वो भी ऋण का बटे पांच। इस तरह से कर सकते हैं, समान चीन जोड़ा जाएगा और विपरीत चीन घटाया जाएगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाकर बड़ी संख्या के सामने का चीन लगा देते हैं। तो अगर आप किताब कर रहे हैं कि जब हर समान न हो, तो जब हर समान नहीं होंगे तो उस अवस्था में कर सकते हैं कि हरों का एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम में हरों के द्वारा संगत हर से भाग दिया जाता है और भागफल में संगत अंश का गुणा करके रखते हैं, तब बीच में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए तीस तरह से जैसे कि जैसे इसमें ले सकते हैं कि तीन बटे पांच माइनस दो बटे सात, ठीक, और माइनस का छह बटे चार कर दिया। तो इसमें कह सकते हैं कि हर समान तो है नहीं, तो हम दिए गए घरों का एलसीएम निकालेंगे, यानी पांच का था चार का, तो चार तो दो से कटेगा, पांच नहीं कटा, सात नहीं कटा, दो दूनी चार, फिर दो से कटेगा, पांच नहीं कटा, सात नहीं कटा, दो एकम दो, अब ये पांच से कटेगा, सात नहीं कटा और सात एकम सात, सब कटेगा, तो दो दूनी चार, पच्चीस बीस सत्ते एक सौ चालीस, यानी इसका एलसीएम एक सौ चालीस आएगा। तो हमें क्या करना है कि पांच भाग देना है 140 में, तो पांच छुपा लेते हैं, दो दूनी चार सत्ते अट्ठाईस, अट्ठाईस का गुणा तीन में कर देंगे तो आठ एक चौबीस और तीन दूनी छह दो आठ, यानी चौरासी हो जाएगा माइनस। अब सात से भाग देना है 140 में, सात छुपा लेना है, दो दूनी चार बच्चे बीस, तो बीस दूनी चालीस माइनस, चार से भाग देना तो दो दूनी चार छुपा लेना, पांच सत्ते पैंतीस, पैंतीस छक्का यानी कि छह पच्चे तीस का जीरो और छह तीन अठारह तीन इक्कीस यानी दो सौ दस। तो हमने कहा समान चीन को जोड़ा जाता है, चालीस और दो सौ दस जोड़ देंगे तो हो जाएगा चौरासी माइनस दो सौ पचास बटे एक सौ चालीस। तो यहां से भी बताया जाता है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाया जाएगा, तो दो सौ पचास से चौरासी घटा दिए हम तो ये हो जाएगा आपका दस में से चार गया छह, चार चार में से आठ जाए नहीं, चौदह में से आठ गया छह और यहाँ बच गया एक और बटे एक सौ चालीस। और भी ऋण का चिन्ह क्योंकि बड़ी संख्या क्या है का चिन्ह ऋण है, एक माइनस एक सौ छाछठ बटे एक सौ चालीस। इस तरह से हम भिन्नों के घटान को अलग अलग हल कर सकते हैं। तो आपका अगला टॉपिक है भिन्नों का गुणा, तो भिन्नों के गुणा क्या आता है कि अंश का अंश में हर का हर में गुणा किया जाता है, बहुत सिंपल है। जैसे कहा गया कि दो बटे तीन का गुणा ये हो जाएगा चार बटे पांच, तो दो का गुणा चार दो चौकिया और पांच यानी पंद्रह, यानी अंश का अंश में हर का हर में गुणा किया जाता है। जैसे और दे सकते एग्जाम्पल्स, तीन बटे पांच बुरे सात बटे छह बुरे और पांच बटे चार, ये हो जाएगा आपका सात त्रिका इक्कीस, इक्कीस का गुणा पांच नहीं तो पांच एक पांच पांच दूनी दस एक सौ पांच और छह बच्चे तीस चौके, ये हो जाएगा आपका एक सौ बीस, यानी अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कहता है ये गुणाकार। अब आगे आते हैं भिन्नों का भाग, तो भिन्नों का भाग यानी गुणा का विभिन्न होता है, तो इसमें क्या होता है कि दाहिने वाले पद को यानी दी गई संख्या के दाहिने वाले भाग को हम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं और भाग की जगह गुणा का संकल लगाकर हल कर लेते हैं। जैसे देख सकते हैं कि तीन बटे पांच भागे चार बटे सात, तो दाहिने वाला चार बटे सात है, तो ये हो जाएगा तीन बटे पांच भाग की जगह लगा दिया गुणा का संकल, सात ऊपर चला गया चार नीचे, तो अब ये तो गुणा हो गया, जब ये गुणा हो गया तो सात त्रिका इक्कीस और पांच चौके बीस, तीस तरह से हो सकता है, या तीनों को काम ले लें, तीन बटे पांच भागे चार बटे सात भागे पांच बटे चार, तीस तरह से यदि है तो दाहिने से चलते हुए आएंगे, ये हो जाएगा तीन बटे पांच भागे ये चार बटे सात जो का क्यों रहेगा इसे हम बदलेंगे गुणा भी, तो चार ऊपर चला जाएगा पांच नीचे, इस तरह से देखा जा कि चार चौके सोलह एंटी बने पांच भागे चार चौके सोलह और पांच सत्ते पैंतीस,
इस तरह से आगे बढ़ेंगे, 3/5 भी ये भाग किसमें हो गया, गुणा भी, अब 35 ऊपर और 5 यानी जो 16 है वो नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का गुणा 35 में, तो 3/5 15 का 5, 3/3 9 10 और 16/5 80 इस तरह से बदलते हैं। कितने भी अंक का भाग आए क्रमशः हम दाहिने से बाएं की ओर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हल करते हुए। तो आज इस वीडियो में आपको भिन्न में तुलना, भिन्न का जोड़, भिन्न के घटाना और भिन्नों का गुणा और भिन्नों के भाग के बारे में बताया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और अगले वीडियो में इससे आपके बेसिक मैथ अर्थात तैयारी के हिसाब से आपको क्वेश्चन को हल कराया जाएगा। तो आज इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।